मंदिर पर बहुत बड़ा अपडेट 2023 झारखंड सहायक अध्यापक भाई शकील भाई जान महीने मानदेय की प्रक्रिया आज से शुरू होगी। 14 जिलों का नाम आया। जी हां, हाय फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं हमारे न्यूज़ पारा टीचर न्यूज़ में। दोस्तों बहुत बड़ी खबर लेके आ चुका हूं। जी हां, तमाम बड़ी खबर लेके आ चुका हूं पारा टीचर से रिलेटेड जानकारी। हर खबर हमारे चैनल पर दी गई है। पारा टीचर से रिलेटेड जानकारी सारी वीडियोज हमारे चैनल पर दी गई है, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं कि पारा टीचर से रिलेटेड जानकारी, हर खबर, हर जानकारी मैंने अपने चैनल पर दी है। और इस बार जो हर जिले से, हर स्टेट से खबर आ चुकी है पारा टीचर के लिए कि मानदेय पर बहुत बड़ा अपडेट आ चुका है इस साल के लिए। जी हां, आपने इसे सुना, इस बार मानदेय पर बहुत बड़ा अपडेट आ चुका है और 14 जिलों का नाम आया है। जी आपने सही सुना, 14 जिलों का नाम आया है। किन किन जिलों में आप रहते हैं, अपना नाम, अपना जिला का नाम कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके बताइए कि आप किस जिले से हमारी वीडियो को देख रहे हैं। क्या आपका जिला का नाम आया है, नहीं आया है? क्या सारा मानदेय, कौन कौन जिला में मानदेय मिला जा रहा है, इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, तभी आप जान पाए कि कौन कौन जिला में नाम आया है मानदेय देने का सरकार के तरफ से। अगर आप भी पारा टीचर हैं, आप किस जिले से वीडियो को देख रहे हैं, क्या नाम है आपका, पूरा डिटेल आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अगर आपका कोई सवाल जवाब हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए तो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमें भी सपोर्ट करें ताकि हम पारा टीचर से रिलेटेड जानकारी हर समय, हर दिन, हर रोज, हर खबर आपके साथ शेयर कर सकते हैं। क्योंकि झारखंड का पारा टीचर मैं भी हूं, मैं झारखंड से बिलोंग करता हूं और झारखंड का पारा टीचर हूं, तो हम भी आपकी सपोर्ट के लिए, न्याय के लिए हमेशा खड़े हैं। और हम चाहते हैं कि झारखंड, पूरे ऑल ओवर स्टेट के सभी पारा टीचर हमें सपोर्ट करें, तभी हम पारा टीचर की आवाज़, चाहे गवर्नमेंट की आवाज़ हो, चाहे हम देशवासियों की आवाज़ हो, चाहे हर वो नागरिक, महिला हो या पुरुष हो, सभी की आवाज़, जो जितने भी पारा टीचर हैं, झारखंड सरकार, स्टेट सरकार तक आपकी आवाज़ जाए ताकि सभी जिले का मानदेय पारा टीचर को जल्द से जल्द मिलना चाहिए। है तो आप को बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि पहला बात, आप वीडियो को स्किप मत करिए, वीडियो को एंड तक देखिएगा कि सभी पारा टीचर हमें भी सपोर्ट करें, इस चैनल को सपोर्ट करें। मैं चाहता हूँ ये चैनल जितना ग्रोथ होगा उतना झारखंड सरकार की आवाज़ तक हम पहुंचाएंगे, पारा टीचर का आवाज़ झारखंड सरकार, स्टेट सरकार तक जाएगी, सभी शिक्षा मंत्री तक जाएगी। तो जरूर से जरूर हमें सपोर्ट करें, हमें सब्सक्राइब करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो चलिए फ्रेंड, ज़्यादा समय ना लेते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। मानदेय पर अपडेट, अब अगले सप्ताह ही सोमवार के बाद मानदेय भुगतान का प्रक्रिया शुरू होगा सभी जिले में। जी हां, आपने सही सुना, अब अगले सप्ताह ही सोमवार के बाद मानदेय भुगतान की प्रक्रिया शुरू होगा। जाने क्या है कारण और किस वजह से झारखंड सरकार ने अगले सप्ताह, किस कारण से झारखंड सरकार ने अगले सप्ते सोमवार के बाद सभी कोई का मानदेय का भुगतान का प्रक्रिया शुरू कर दिया है, सभी कोई का मानदेय मिलने वाला है। तो हम पूरी डिटेल में बात करेंगे पारा टीचर का, जो अगले सप्ते इस सोमवार के बाद सभी पारा टीचर को अकाउंट में पैसे आने वाली हैं। क्या खबर है पूरी डिटेल में हम जानते हैं। दरअसल हुआ यह है कि 7 तारीख तक सभी जिले को डाटा चिट्ठी एवं उत्सर्ग फॉर्मेट को भरकर अपलोड करने का निर्देश दिया गया है। जो भी आप डॉक्यूमेंट है उसको फिलअप करके और अपडेट यहां करने का निर्देश दिया गया है। परंतु मैं लगातार परियोजना कार्यालय के संपर्क में हूं और परियोजना से प्राप्त जानकारी अनुसार 14 जिले का डाटा चिट्ठी और फॉर्मेट भरकर नहीं भेजा गया है। यानी मैं अपने नज़दीकी किसी परियोजना कार्यालय से संपर्क में हूँ और 14 जिलों का जो मेरे पास डाटा आया है वो चिट्ठी का फॉर्मेट अभी तक भरा नहीं किया है, जो जिले की स्थिति उस दर्शाता है। जबकि राज्य कार्यालय के द्वारा भी सभी जिले का फोन करके डाटा मंगाया जा रहा है। मुझे बार बार कुछ जिले का नाम लिखना भी उचित नहीं लगता है, परंतु मैं लिखना पड़ता है। अतः मैं
मैं जिले के युवा साथी के अनुरोध करूंगा कि कल शनिवार को सभी जिला कार्यालय खुली रहेगी, यानी आज शनिवार के दिन आज कार्यालय खुला है। जो भी अपने डॉक्यूमेंट्स का अभी तक नहीं जमा किया है तो जल्दी जाके जमा कर लीजिए, अतः आपने अपने अपने जिले कार्यालय से संपर्क बनाते हुए डाटा और चिट्ठी निवान सुनिश्चित करें ताकि सोमवार के बाद राज्य परियोजना कार्यालय के द्वारा एडवांस बैंक में भेजा जाएगा। यानी सोमवार को सभी कोई का डाटा चला जाने वाला है, और क्योंकि सभी पारा टीचर का मानदेय मिलने का सूचना आया है, क्योंकि झारखंड के जितने भी पारा टीचर हैं अन्य ज़िले से भी हैं या किसी भी ज़िले से हैं, उन सभी का एडवांस जो पे है वो बैंक में डॉक्यूमेंट सारा जमा हो रहा है, और उनका उनका मानदेय देने का ये अपडेट आ चुका है, सभी को का मानदेय मिलने वाला है। झारखंड सरकार के तरफ से सभी लोग अपना डॉक्यूमेंट सभी कार्यालय में जमा कर दें ताकि आपका मानदेय टाइम टू टाइम मिले, और सरकार का परियोजना कार्यालय जाना भी कोई ज़रूरी है। अगर जो पारा टीचर अपना डॉक्यूमेंट्स कार्यालय में अपने ज़िले नज़दीकी सेंटर में जमा नहीं करता है तो उसका मानदेय रोक दिया जाएगा और मानदेय अगला टाइम से नहीं मिल पाएगा। तो सभी को कॉल फ़ोन बोला जा रहा है, अगर आपके पास कॉल या फ़ोन नहीं आता है तो अपने नज़दीकी कार्यालय में जाए और अपना डॉक्यूमेंट्स को जमा कर दें। दोस्तों, सभी पारा टीचर से एक बार प्लीज़ रिक्वेस्ट करता हूँ, जितने भी अपने डॉक्यूमेंट्स से ये कार्यालय में अपना जाके नज़दीकी कार्यालय में जाके जमा कर दीजिए, क्योंकि आपका जो मानदेय है वो जरूर से ज़रूर मिले ताकि सभी पारा टीचर का मानदेय जो रुका है या नहीं मिला है वो सभी मानदेय भी मिल जाए, ताकि ये खबर आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। उम्मीद करता हूं दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से आपको सारी समझ में आ गई होगी, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए, और सभी ज़िले के पारा टीचर को ये वीडियो को शेयर करिए। किसी भी ज़िले से हैं, किसी भी राज्य से हैं, चाहे ना झारखंड राज्य से हो या किसी भी राज्य से हो, तो ये वीडियो को जितना वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए, क्योंकि ये खबर बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही जल्दी खबर है। अगर आपने वीडियो को मिस कर दिया तो आप भी पछतावा के सिवा कुछ नहीं पाने वाले हैं, जितने भी पारा टीचर हैं। तो जल्द से जल्द वीडियो को शेयर करिए, तो जल्दी वीडियो को लाइक कर दिए। अगर आपके पास कोई सवाल हो, जवाब हो, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अरे सभी पारा टीचर से रिक्वेस्ट करता हूँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब आप लोग नहीं कर रहे हैं, जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब करिए। मेरा सब्सक्राइब आप सपोर्ट नहीं करें, आपका सपोर्ट चाहिए हमारे चैनल के लिए, तो जल्द से जल्द चैनल को सपोर्ट करिए और सभी पारा टीचर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि ये चैनल सिर्फ पारा टीचर के लिए ही बनाया गया है और सपोर्ट के लिए हमेशा हमेशा है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आज तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए तीन पे मिलते हैं नए वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।